वेलकम एवरीवन, मार्सल श्वेतांबर शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। अभी तक हमने अपने मैन मेड फाइबर्स किए हैं, इसी में ही हम आज एक और फाइबर करते हैं जिसको बोलते हैं नायलॉन। नायलॉन नायलॉन फाइबर कौन सा फाइबर होता है? एक और चीज़, मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक और छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी तो बेटर होगा कि आप साथ के साथ राइट डाउन करते रहें ताकि आपको समझ भी अच्छे से आ जाए और आपको गो थ्रू होने में उसको भी डिफ़िकल्ट ना हो। उन पॉइंट्स को, शॉर्ट पॉइंट्स को नोट करते जाइए। सो नायलॉन को अगर हम इंट्रोडक्शन लेते हैं तो क्या होता है, ये सबसे पहला मैन मेड फाइबर होता है जिसको ऑर्गेनिक लेबॉर्ट्री में केमिकल्स के द्वारा बनाया गया था। इसी फाइबर को हम पॉलीअमाइड फाइबर भी बोलते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए दैट विच फाइबर इज़ नोन एज पॉलीअमाइड फाइबर, तो उसमें नायलॉन का नाम भी आएगा। ये मेल्टिंग प्रोसेस के द्वारा हमारा फाइबर बनता है, ये सिंथेटिक फाइबर होता है हमारा मैन मेड के अंदर, ठीक है। अब जो नायलॉन है वो तीन चीज़ों को मिला के बनता है। कौन सी होती है वो तीन चीज़ें? कोल, एयर और वाटर। इन तीन चीज़ों को मिला के हमारा नायलॉन का फाइबर बनता है। नायलॉन का फाइबर जो होता है वो मिक्सचर होता है किस चीज़ का? दो अलग कोल टार प्रोडक्ट्स का, जिनके नाम है एडिएपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइड। इन दोनों प्रोडक्ट्स को मिलाने के बाद, इन दोनों प्रोडक्ट्स के मिक्सचर से की पॉली इन पॉलीमर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बाद हमारा जो पॉलीमर है नायलॉन का वो प्रिपेयर किया जाता है। इसको हम हीट करते हैं ताकि हमारे पास नायलॉन का पॉलीमर रेडी हो जाए। सो ये एक हमारा इंट्रोडक्शन प्रोसेस था। अब इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है? इसके मैन्युफैक्चरिंग में भी दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमने सिंथेसाइज करना है अपना पॉलीमर या नायलॉन, और उसके बाद होता है हमारा स्पिनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इस डायग्राम के थ्रू हमें ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमारा कैसे हम सिंथेसाइज कर सकते हैं अपने नायलॉन को। सो इस तरह से है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे दो प्रोडक्ट्स होते हैं एडिएपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइड। इन दोनों को हम एक चैम्बर में डालते हैं, इन दोनों से हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं। जो ये रिएक्शन होती है ये हमारी अंडर हाई प्रेशर होती है। उसके बाद हमें जो हमारा इसका प्रोडक्ट मिलता है वो हमें मिलता है नायलॉन सॉल्ट। नायलॉन सॉल्ट को हम क्या करते हैं, एक और चैम्बर में डालते हैं एडिशन ऑफ वाटर, और वो चैम्बर होता है हमारा इवेपोरेटर, जिसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन प्रोसेस होने के बाद अब जो नायलॉन सॉल्ट हमारे पास है हम उसको क्या करेंगे, ऑटोक्लेव करेंगे। ऑटोक्लेव क्या होता है, ये एक जॉइंट प्रेशर कुकर की तरह ही होता है ऑटोक्लेव प्रोसेस। जो ये ऑटोक्लेव था इससे एक और प्रोसेस होता है, वो क्या होता है कि जो नायलॉन सॉल्ट था ऑटोक्लेव में जाने के बाद वो जॉइन करता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स के साथ, और लीनियर पॉलीमर फॉर्म करता है। अब ये जो लीनियर पॉलीमर है ये हमारा गो थ्रू करता है किसके साथ, कास्टिंग व्हील के साथ। कास्टिंग व्हील के साथ जाने के बाद हमें क्या मिलता है, अब हमारा नायलॉन रिबन लाइक नायलॉन पॉलीमर मिलता है। इन पॉलीमर्स को हम चिपर में डालते हैं, जिसके बाद इसको कट कर दिया जाता है पीसीज में, नायलॉन के छोटे पीसीज या ग्रेन्स में, ठीक है। और उसके बाद इसको हम कहाँ भेज देते हैं, स्पिनिंग के लिए भेज देते हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो पॉइंट इसके बाद वो आता है स्पिनिंग का। स्पिनिंग का एक क्या होता है, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं स्पिनिंग में भी, एक होता है एक्सक्रूशन, और हमारी एक्सक्रूड हो जाता है और हमारा मेल्ट करता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, ड्राइंग करते हैं जिसमें हम, और उसको हम फिर स्पिनिंग करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो ये क्या है, ये हमारा मेल्टिंग प्रोसेस है। मेल्टिंग प्रोसेस के बाद क्या होता है कि अब जो हमारे वो ग्रेन्स थे, जो हमारे नायलॉन के पीसेस थे या नायलॉन के ग्रेन्स थे, उसको सबसे पहले हम मेल्ट करते हैं। मेल्ट के बाद हम उसको स्पिनरेट में डालते हैं। स्पिनरेट में डालने के बाद जो हमारा साइज होगा फाइबर का वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, वो होल्स पे डिपेंड करेगा, और किस स्पीड से वो हमारे स्पिनरेट में गया उस स्पीड पे डिपेंड करेगा, जिसकी वजह से अब हमें यहाँ पर क्या मिल गया, हमारा नायलॉन का यार्न मिल जाएगा। यार्न मिलने के बाद आता है हमारा ड्राइंग प्रोसेस। तो अब क्या करेंगे हम, ड्राइंग प्रोसेस के अंदर जो हमारा मेन नायलॉन था, ठीक है, नायलॉन का हमारा जो यार्न था उसको हम ड्राइंग प्रोसेस के द्वारा उसको उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे, उसके डायामीटर को, उन सारे के सारे जितने भी हमारे फिलामेंट्स होंगे, हमारे फाइबर्स होंगे, उनको यार्न्स होंगे, उनको हम पैरेलली एक दूसरे के रखेंगे, ड्रॉ करेंगे बार बार, और 4 से 5
टाइम्स हम उसको उसके ड्राइंग प्रोसेस कर देंगे ताकि उसकी जो लेंथ है वो ओरिजिनल से 4 to 5 टाइम स्ट्रेच हो जाए। हमारा ड्राइंग के साथ हमारा स्ट्रेचिंग प्रोसेस था ये, ठीक है। स्ट्रेच होने के बाद अब क्या है, हमें हमारा यार्न मिल जाता है। तो यार्न मिलने के बाद हम इसको साथ के साथ एक कूलिंग चैम्बर के अंदर भी डालते हैं। कूलिंग चैम्बर से क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट था वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। सॉलिडिफाई होने का मतलब क्या है, ये चीज़ हमारी मेल्टिंग के बाद भी एक बार होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। उससे क्या प्रोसेस होता है कि जितना भी हमारा जो यार्न है वो हमें यार्न सॉलिड फॉर्म में चाहिए होता है, ठीक है। तो सॉलिडिफाई वाटर के साथ क्या होता है कि वाटर कंटेंट ख़त्म हो जाता है जब उसको वार्मनेस दी जाती और हमारा एग्जैक्टली फिलामेंट यार्न आ जाता है। तो ये जो हमारा सारा का सारा प्रोसेस था, ये हमारा नायलॉन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थी। अब हम बात करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी। तो सबसे पहले जो हमारा नायलॉन है वो देखने में कैसा लगता है, जो उसका क्रॉस सेक्शनल होता है वो ट्यूबुलर और राउंड शेप का होता है, ठीक है। और देखने में वो शाइनी होता है, ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, लस्चरस होता है, ठीक है। इसकी कंपोजिशन मैंने आपको बताई है, कोल टार प्रोडक्ट्स के साथ होती है और ऑक्सीजन के साथ इसके अंदर नाइट्रोजन हाइड्रोजन हमारे प्रेजेंट होते हैं इसकी कंपोजिशन के अंदर। देन अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो ये एक फिलामेंट फाइबर है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर है, ठीक है। और हम केमिकल के लिए भी आते हैं तो ये डाई इजीली हो जाता है, इसको डाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें माइल्ड्यूज़ या मोथ नहीं लगती। और एसिड से या अल्कलाइन से ये इफ़ेक्ट करता है, ये एसिड से इफ़ेक्ट करता है, इसको आयरनिंग की नीड नहीं होती, सनलाइट का इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, वाटर की एब्जॉर्बेंसी भी नहीं होती। तो ये सारे के सारे हमारे नायलॉन के कुछ एक फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, इसको हमें ध्यान रखना है। और जो मेन बात मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जो भी हमें कोई भी हमें अपना फाइबर करना है, कोई भी हो, कॉटन से लेके नायलॉन पॉलिएस्टर कोई भी, उसको हमें याद कैसे रखना है, याद हमें रखना है उसको अपने डे टू डे प्रोसेस के अकॉर्डिंग। अगर हमने दिन जो हम देखते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमें वो याद होगा कि वो कैसा कपड़ा था, उसको हम कैसे आयरन करते थे, उसको क्या क्या हम ट्रीटमेंट देते थे या नहीं देते थे, अवॉइड करते थे, वो सब कुछ सोच के हम करेंगे। तो सिर्फ क्या याद रखना है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ अपने आप उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा। इसी के अंदर ही जब हमारा नायलॉन का एक मेन बात रह गई है कि नायलॉन का जो स्पिनिंग प्रोसेस होता है उसको हम डोप बोलते हैं, DOPE। सो स्पिनिंग ऑफ नायलॉन प्रोसेस इज़ ऑल्सो नोन एज डोप। ये भी हमारा कोई क्वेश्चन में या कहीं पर भी आ सकता है इसका भी आपका पार्ट। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी और क्या क्या चीज़ें आप क्या चेंजेस चाहते हैं या क्या ऐड कराना चाहते हैं या क्या चीज़ आपको सही नहीं लग रही, इस चीज़ के बारे में भी हमें बताइएगा। थैंक यू।